नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पवनप्रीत कौर। आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से आपसी विवादों को लेकर ही घिरी हुई है। क्या इन आपसी विवादों का प्रभाव सरकारी कामकाज पर नहीं पड़ रहा या आम आदमी पार्टी जनता से किए गए वादों में पिछड़ती जा रही है? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने आए हैं हम विशेष रवि जी से, जो कि आम आदमी पार्टी के करोलबाग से विधायक हैं। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल, राजनीति में आपका आना कैसा हुआ? जैसे आपका पारिवारिक माहौल था, आपके पिता थे राजनीति में, तो उसी उन्हीं से प्रेरणा मिली या आपके मन में कुछ देश के लिए, दिल्ली की जनता के लिए कुछ करने का मन किया? दोनों चीजें थी। एक तो परिवार में था, पिताजी जुड़े हुए थे राजनीति से, तो प्लेटफॉर्म मिल गया और उसके बाद अपने आप भी कुछ मन था कुछ करने का अपनी सोसाइटी के लिए और देश के लिए, तो दोनों क्लब होकर जो है आम आदमी पार्टी जुड़ना हो गया। अपने क्षेत्र में जो कार्य हुए उनको कितने प्राथमिकता दी है? देखिए, वैसे करोलबाग, तो करोलबाग से बाहर रहने वाले लोगों के लिए और दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों के लिए करोलबाग एक शॉपिंग हब है। लोग बाग करोलबाग को शॉपिंग प्लेस के नाम से जानते हैं, लेकिन करोलबाग के अंदर शॉपिंग के अलावा, दुकानों के अलावा और बहुत कुछ है। इसके इंटीरियर में हम जाएं तो आज भी यहाँ पर लोग जो है, जो बेसिक एनिमिटीज़ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवर और पानी है, उसके लिए वो जूझ रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता यही थी कि जो 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 बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे अब तक भी लोग वंचित हैं, सीवर और पानी, उस पे काम करने का हमारा एजेंडा है। एक साल हमने पहले इस पे काम करना है और फिर उसके बाद जो है करोलबाग के सौंदर्यकरण के लिए आगे काम करना है। तो सर, करीब 3 महीना हो ही गया है आम आदमी पार्टी को, तो इन बीते 3 महीनों के दौरान कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो आपने अपने क्षेत्र में किया हो जिसको करते हुए आपको गर्व महसूस हुआ हो? ये काम तो काफी हो गए हैं, काम तो बहुत हो गए हैं। उसमें एक अच्छा काम ये है कि हम पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी, मतलब पिछले साल भी जब चुन के आए थे तब से लेके अब तक बहुत फर्क आ गया पानी के अंदर। आज पहले रोज सुबह शाम तक लोग आते थे पानी के लिए, लेकिन अभी काफ़ी कंट्रोल्ड है और अभी भी हम उसी तैयारी में लगे हुए हैं कि गर्मियाँ एकदम आ चुकी हैं तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा यही प्रयास है कि करोलबाग में जो पानी की समस्या जो सालों से चली आ रही है उसको एकदम खत्म कर सकें। तो भारतीय राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय राजनीति की अच्छी बात तो ये है कि यहाँ लोकतंत्र है। ये भी सच है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने नेता और लीडर्स की छवि जो है ख़राब की है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता भी रहे हैं जिन्होंने एक अच्छी लीडरशिप जो है करके एक एग्जांपल सेट किया है। तो हम जैसे करते हैं कि जहां हम जाते हैं जो हमारी मतलब की चीज़ होती है वो हम निकाल लेते हैं, अच्छी चीज़ें निकाल लेते हैं और जो गलत चीज़ है उनको छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से भारतीय राजनीति दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई है, अच्छी भी बुरी भी। तो हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छी चीज़ों को धारण करने की कोशिश करी और काफ़ी अनुभव मिला है इससे। जैसा कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को तानाशाह कहा गया है, तो आपको लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल वास्तव में पार्टी के तानाशाह हैं? नहीं, हमें नहीं लगता तानाशाह है। तो पार्टी के ही नेता उन्हें क्यों तानाशाह कह रहे हैं? वो हम नहीं कह सकते कि क्यों कह रहे हैं। होता यह है, देखिए, हमें ये लगता है कि हर जगह, हर फील्ड में, एक हर पार्टी में एक लीडर होता है और लीडर को हमें दिल से जो है उसको मानना चाहिए कि वो हमारा लीडर है। और हमें लगता है कि एक सैनिक का सिर्फ एक ही धर्म है कि उसके सेनापति का, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब वो क्या कहता है, सही है गलत है, वो बात की बात है, लेकिन सैनिक का धर्म सिर्फ यही है कि अपने सेनापति के आगे का पालन करें। अगर नहीं कर सकता तो वो तो अपना मैदान छोड़ के जो है बाहर निकल जाए, लेकिन सेना के भीतर ही रह के अगर वो जो है काट करने का काम कर रहा है तो वो गलत है। तो वो अपनी पार्टी से ऐसे लोकतंत्र करने वाले जो बात करते हैं लोकतंत्र की, उनको भी निकाल सकते हैं? लोकतंत्र की बात करने के लिए कौन ना कर रहा है, जैसे योगेंद्र में आप अनुशासन से बाहर तो कोई नहीं है, चाहे आप बड़े नेता हैं छोटा नेता हैं, आप अनुशासन से बाहर जाके बात नहीं कर सकते। कोई बात है, आपको प्रॉब्लम है तो अपनी पार्टी में ही उसको बात रखिए, उसी को वहाँ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तमाम आंतरिक कलह के बाद जो आम आदमी पार्टी में आजकल चल रही है, आपको नहीं लगता उसका प्रभाव सरकार के कामकाजों पर पड़ रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता है काम का जो पड़ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ताकत ही जो है हमारी काम करने की रणनीति और शैली है। हमें लगता है कि हम अगर आए हैं जनता के बीच में तो 49 दिन की सरकार के दौरान किए हुए काम से आए,
और आगे भी अगर रहेंगे हम या जनता हमें अपना प्यार बना कर रखेगी तो हमारे काम के बल पर रहेगी। हमने काम किए हैं इतने दिन में, बिजली पानी का वादा पूरा किया है और बहुत सारे वादों पर काम चल रहा है, तो हम जानते हैं कि हमारा आधार वो काम ही है और काम में हम कहीं भी किसी तरह से जो है फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो आप इन आंतरिक कलहों के बाद अपनी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को किस तरह से अलग मानते हैं? देखिए, जैसे दूसरी पार्टियों का फोकस वो कहीं और रहता है, उनके यहाँ कलेश होते हैं या अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उससे वो उभर इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनका फोकस जो है, उनका एजेंडा दूसरा होता है। हमारा एजेंडा जनता की सेवा करना है, हमारा एजेंडा लोगों को किए हुए वादों को पूरा करना है, उनके विश्वास को जो है पूरा करना है, तो इसलिए हमें जो है प्रॉब्लम नहीं होती। अगर प्रॉब्लम कले होता भी है, प्रॉब्लम होती भी है, लेकिन जब हम जनता के काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े होते हैं, तो उनसे मिलने वाले प्रेज, उनसे मिलने वाली प्रशंसा जो है हमें ताकत देती है, जोश देती है, अगले दिन फिर अच्छे से काम करने के लिए ऊर्जा देती है। आम आदमी पार्टी को जनता ने इसलिए वोट करा था क्योंकि वो एक्शन करने में विश्वास रखती थी, लेकिन बिजली पानी मुद्दे के बाद कोई एक्शन जनता को तो नहीं दिख रहा। देखिए, अभी 3 महीने हुए हैं, हाँ, और हम 3 महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए आए हैं, और 5 साल का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि सारे फैसले उस सोच समझ के अच्छे से ठीक से जांच पड़ताल करने के बाद ही हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा है कि वो 40 से 50% वादे ही पूरे कर पाएंगे इन 5 सालों में। नहीं, अरविंद जी ने नहीं कहा, बल्कि जनता ने ये कहा है, जनता ने ये कहा है कि जो आपने वादे किए हैं अगर उसके आधे ही पूरे कर दो तब भी हम खुश हैं आपसे। भारतीय राजनीति में आपकी नजर में सबसे बड़ा नेता कौन है अरविंद केजरीवाल को छोड़कर? देखिए, नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनको हमने देखा है, अपने थोड़ा बहुत जो जाना है, समझा है पिताजी के माध्यम से, हमें लगता है कि अटल भाई वाजपेयी जी जो है एक बहुत सम्मानित नेता है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है या मिल सकता है। उनकी उनके भाषण देने का तरीका या उनका कविताओं के माध्यम से अपनी बात समझाने का तरीका, वो बहुत ही एक जेंटल पर्सन है, तो हमें लगता है कि अटल भाई वाजपेयी जी ऐसे आदमी हैं, व्यक्ति हैं, जिनको हम मान सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये थे हमारे साथ विशेष रवि जी, जिनके अनुसार आम आदमी पार्टी अगर इसी तरीके से काम करती रही तो अपने 40% क्या पूरे 100% वादे पूरे कर पाएगी। कैमरामैन हबीब के साथ मैं पवनप्रीत कौर, NNC न्यूज़, दिल्ली।